हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज बेटा जी, हम अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, अपनी प्लांट फिजियो का सेकंड चैप्टर। और चैप्टर का नाम बेटा जी यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन। अपना लास्ट टॉपिक जो खत्म हुआ है क्लास में, लास्ट चैप्टर जो अपना खत्म हुआ, उसका नाम था बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, जो हमने खत्म कर लिया कि जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट का क्या क्या मैकेनिज्म होता है, वहां पे हमने थ्योरीज की बातें की है। फिर हमने बातें की अबाउट द फ्लोएम के, वहां पे लगता है मंच फ्लो या मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है बेटा जी वहां पे। तो अपना वो चैप्टर खत्म हो गया था। चलिएगा, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ के। तो देखिएगा चैप्टर का क्या नाम है मानसी बेटा। चैप्टर का नाम है मिरनल न्यूट्रिशन। थोड़ा सा सराउंडिंग बनाते हैं पहले चैप्टर की, थोड़ा सा उसे बाहर से कवर अप करते हैं। पहले पहले वर्ड समझ के देखते हैं कि चैप्टर हमें किस चीज के बारे में बताने वाला है। आप लोगों ने जब ह्यूमन फिजियो को पढ़ा, तो ह्यूमन फिजियो बेटा जब अपना पहला चैप्टर आता है कि जहां पे आप डाइजेशन की और न्यूट्रिशन की बात करते हो इन द ह्यूमन बींग्स, ये एक छोटा सा वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा या आपने 10th क्लास में भी वर्ड जाना होगा न्यूट्रिशन के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हो या न्यूट्रिशन किसका नाम है, तो आप ऐसा कहते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, द सम ऑफ प्रोसेसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज रॉ मेटेरियल फॉर बिल्डिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड फॉर बॉडी फंक्शन। थोड़ा सा सीधा डेफिनेशन हो गई, पर डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे, जो आपको समझ में आएगी। हिंदी बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रिशन क्या है, तो आप लोग ब्रॉडली ऐसा कहते हो कि सर न्यूट्रिशन, एक्चुअली हम समझ के देखें कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हिटरोट्रॉफिक, कि हम किसी और पे डिपेंड है। किस चीज के लिए डिपेंड है? तो हम खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, हम फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है। अब जो फूड आप ले रहे हो वो एक्चुअली क्या है, वो एक रॉ मेटेरियल है। आप जो फूड खा रहे हो वो फूड एक्चुअली क्या है यहां पे बेटा जी, आपका रॉ मेटेरियल है। किस बात का रॉ मेटेरियल है? आप कहते हो सर उसी रॉ मेटेरियल को हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर बेटा जब उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ब्लड के थ्रू उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और हमारी सेल उस मेटेरियल का यूज करती है अपने प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनाने के लिए। सेल जब डिवाइड करते हैं तो उसे एनर्जी चाहिए अपने डिफरेंट चीजों को सिंथेसाइज करना है उसे, तो वो उसी रॉ मटेरियल का यूज करती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। हमारी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ये तभी होता है जब प्रॉपरली हमारी बॉडी में रॉ मटेरियल जाता रहे। ठीक बात है। और जब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, हमारा एक डेवलपमेंट चलता रहता है जो ग्रेजुअली हमारा होता रहता है। आप ऐसा कहते हैं छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो बड़ा होता जा रहा है, उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बट ग्रोथ हो रही है तो उसे ग्रोथ करने का एक न्यूट्रिएंट चाहिए, एक रॉ मेटेरियल चाहिए। अगर वो रॉ मेटेरियल नहीं मिलेगा तो उसकी सेल्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मैं यहां बात करता हूं एक ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू अपने रॉ मेटेरियल को रिसीव करते हैं। जैसे आपने कह दिया रिसीविंग के बेसिस पे ही कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो किसी और पे डिपेंड है वो क्या है, हिटरोट्रॉफिक। आपने हिट्रो में पढ़ा था कि जो डेड और डीके पे डिपेंड है वो है सैप्रोट्रॉफिक, जो कि किसी होस्ट से लेते हैं, उनके पास खुद के एंजाइम्स नहीं होते डाइजेशन की, वो बन जाता है पैरासिटिक, और जो एक फूड को इंगल्फ करते हैं आप कहते हो वो बन जाते हैं होलोजोइक, और हम एक होलोजोइक में आते हैं। मैं यहां पे प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ में, मैं प्रिया बेटा यहां बात कर रहा हूं आपके साथ में न्यूट्रिशन वर्ड की, जो बड़ा ही बेसिक सा वर्ड है, बड़ा ही बेसिक सा वर्ड है। वंशिका बेटा, मानसी मीनाक्षी, बहुत ही छोटा सा वर्ड की बात कर रहा हूं। तरुण बेटा, मैं यहां पे कि न्यूट्रिशन क्या है, जो आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हो, क्या है ये न्यूट्रिशन? तो आपने कहा सर न्यूट्रिशन एक्चुअली डिफरेंट टाइप के यहां पे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, जिन प्रोसेस के थ्रू मैं क्या करने वाला हूं, रिसीव करने वाला हूं और यूटिलाइज करने वाला हूं।
किसको आपने कहा सर, रो मेटेरियल को। ये रो मेटेरियल वो है जो आप लेते हैं, यानी कि जो आप फूड खाते हो ना, वो फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है, वही तो वो रो मेटेरियल जो आपकी ग्रोथ कराते हैं। तो आपने कहा सर, हम जिन प्रोसेस से फूड को रिसीव करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बट ऐसा करते क्यों है? तो आपने कहा सर, ताकि हम अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सके, हम अपने आप को ग्रोथ कर सके, हम अपना डेवलपमेंट कर सके और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करा सके, इसलिए ही तो हम उस रो मेटेरियल को लेते हैं। तो उन रो मेटेरियल को लेने वाला प्रोसेस, उन रो मेटेरियल को लेने वाला प्रोसेस ही तो यहां पे क्या है बच्चा, आपका न्यूट्रिशन है। बड़ा छोटा सा वर्ड है परस बेटा, बड़ा छोटा सा वर्ड है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड क्या है। अब आपने कहा सर, हम यहां बातें करते हैं रो मेटेरियल की, तो जो मेटेरियल हम यूज करते हैं फॉर द बिल्डिंग आवर बॉडी एंड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, जो मेटेरियल हम यूज करते हैं उस मेटेरियल को कहते हैं बेटा जी हम यहां पे न्यूट्रिएंट। उस मेटेरियल को हम क्या कहते हैं बेटा जी, न्यूट्रिएंट। तो कोई पूछे आपसे पारस, व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट, तो क्या कहोगे? इट इज द रो मेटेरियल, इट इज द रो मेटेरियल दैट इज कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। या ये वो रो मेटेरियल है जो बेटा जी बॉडी यूज करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है बेटा जी आपका यहां पर न्यूट्रिएंट है। आप ऐसा कहती हो, न्यूट्रिएंट सर दो प्रकार के होते हैं, या तो वो न्यूट्रिएंट क्या होता है यहां पे इनऑर्गेनिक होता है, या फिर वो न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा जी आपका ऑर्गेनिक होता है। आपने कहा सर, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया, हमने फैट खाया, हमने ऑयल लिया, हमने सर प्रोटीन लिया, दिस ऑल आर का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। बट एक जगह बात करती हूं अबाउट द मिनरल्स, अबाउट द मिनरल्स, जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आप लेते हैं जो आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो क्या है इनऑर्गेनिक फॉर्म में आप लेते हैं यहां पे। तो पॉइंट आता है इस चैप्टर का नाम का, चैप्टर का नाम यहां पे क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन। अब हम अपनी बात को छोड़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा जी, हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियो। तो अब जरा प्लांट फिजियो में घुस जाते हैं, उस टॉपिक को उठाते हैं, क्या कहते हैं प्लांट फिजियो। मैं इन वर्ड्स को हटा के एक और वर्ड पे समझाता हूं आपको बात, कि भैया जी आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस की बात करने वाले हो जिसके थ्रू प्लांट अपने न्यूट्रिशन, या मैं कहूंगा प्लांट अपने रो मेटेरियल को लेगा, कंज्यूम करेगा, उसे बेटा जी यहाँ पे वो यूटिलाइज करने वाला है। आप कहोगे सर, प्लांट तो हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट कैसे होते हैं बेटा जी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट लॉजिक आता है कौन सा खाना वो बनाते हैं, तो आप कहते हो सर वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द फूड को खुद बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द फूड को खुद बनाते हैं। आपने प्रोसेस पढ़ा है बेटा जी फोटोसिंथेसिस, मेरे बच्चा आपने एक वर्ड पढ़ा है यहां पर फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। पढ़ा है ना आपने वर्ड, तो उसी वर्ड की बात करो मानसी बेटा, आप प्लांट यहां पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो तो क्या बनाते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फूड बनाते हैं। आपने कह दिया सर वो ग्लूकोज बनाते हैं, पर ये ग्लूकोज बना किससे है, तो आप ये कहते हो एक्चुअली सर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो इनऑर्गेनिक लेते हैं और ऑर्गेनिक में उसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब उन्हें भी तो इनऑर्गेनिक चाहिए ना, खाना बनाने के लिए उन्हें CO2 लेना है, उन्हें वाटर लेना है, बट खाली यही दो चीज नहीं लेनी है, उन्हें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को लेना है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को लेना है जो उनकी बॉडी में हेल्प करेंगे इन द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। जैसे कि मैं अगर वर्ड बोलूं, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था स्टोमेटा ओपनिंग एंड द क्लोजिंग, और आपने वहां पे रोल पढ़ा था कि स्टोमेटा की ओपनिंग में के पॉजिटिव आयंस का रोल होता है, वहां पे क्लोराइड आयंस का रोल होता है सोडियम की ओपनिंग में, ठीक बात है। आपने बेटा जी टॉपिक पढ़ा था एंजाइम,
और आपने उस टॉपिक में बात की थी कि एंजाइम्स को काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और आपने कहा था सर वहां पे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आयंस हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करती है फॉर देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन में परफॉर्म करे, एज ए कैटलिस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के मिनरल्स चाहिए प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए। सोचो अगर प्लांट के पास पोटेशियम नहीं होगा तो उसका स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाएगा, स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाएगा तो कभी वो CO2 नहीं ले पाएगा, CO2 नहीं ले पाएगा कभी वो खाना नहीं बना पाएगा। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, श्रुति भूमिका गुड़िया, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये आपको यही बात बताने वाला है कि प्लांट को कैसे कैसे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वो किस किस फॉर्म में उन मिनरल्स को बेटा जी लेने वाला है, और उन मिनरल्स को कैसे वो यूटिलाइज करने वाला है फॉर देयर ग्रोथ इन द डेवलपमेंट। तो मैं सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कहूं ये चैप्टर आपको किसके बारे में बताएगा, तो आप ये कह सकते हो सर स्टडी ऑफ सोर्स मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन of different minerals for proper growth and development। ये मैंने आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन बता दी। क्या बोला मैंने बेटा, मैंने इस चैप्टर की थीम आपको बताई है, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाना शुरू किया अभी तक, मैंने चैप्टर की थीम आपको बताई है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि भैया जी हमें जो ये मिनरल्स आयन है उनका सोर्स क्या है, कैसे उन्हें बेटा जी एब्जॉर्ब किया जाएगा, कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, कैसे उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, किनका, डिफरेंट मिनरल्स का, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा क्यों किया जाएगा, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ इन द डेवलपमेंट, ताकि एक प्लांट प्रॉपरली अपने आप को ग्रो कर सके, प्रॉपरली डेवलप कर सके, तो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा यानी कि कंज्यूम करेगा, उन्हें वो ट्रांसपोर्टेड करेगा और उन्हें डिफरेंट सेल में यूटिलाइज करेगा टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन सो दैट कि उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो सके। तो हम इस चैप्टर में उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर हमें किसके बारे में बताने वाला है। ठीक बात है। तो अब जरा हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में आइडिया देने वाला कौन था कि भैया जी प्लांट को कैसे कैसे मिनरल्स चाहिए, कैसे कैसे नहीं चाहिए, सबसे पहले हमें ये बताने वाला कौन था और उसने हमें क्या बताया, वो बातें बेटा जी हम यहां से आपके साथ में शुरू करने वाले हैं। बहुत पुराने टाइम की बात है, ये बातें हैं बेटा जी अबाउट 1648 की। साइंटिस्ट का नाम था वॉन हेलमोंट। इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा जी इन्होंने, कि एक सोयल है, उस सोयल में एक प्लांट ग्रो होता है एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ During 5 years of growth, इस soil से बेटा जी उसने करीबन 56.6 ग्राम minerals को यूज किया। वो एक soil का वेट करता है और उस soil के अंदर बेटा जी वो प्लांट को ग्रो करता है 5 साल तक, और फिर वो उसी सोयल का वेट करता है दोबारा से। वो क्या देखता है कि उस सोयल का वेट लॉस हो गया 56.7 ग्राम। वो कहते हैं सोयल में जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट थे वो प्लांट ने कंज्यूम कर लिए अपनी 5 साल की ग्रोथ में।
उसे नहीं पता था उसने क्या काम कर दिया और इसका क्या फायदा होगा, बट इस बात से हमें हल्का सा आइडिया लग गया कि प्लांट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को लेता है सोयल से, वो क्या क्या लेता है, उनका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या फंक क्या क्या करेंगे वो, कैसे कैसे लिए जाते हैं। वहां से हमारे साइंटिस्टों में एक नया कंसेप्ट क्रिएट होता है, वहां से रिसर्च शुरू होने शुरू हो गई कि प्लांट किन किन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने वाला है। सबसे पहले काम करने वाला कौन था यहां पे, वॉन हेलमोंटर्स ने क्या देखा कि जब वो एक सोयल में एक प्लांट को ग्रो करता है फॉर द 5 ईयर, तो इन द 5 ईयर उस सोयल का वेट रिड्यूस हो जाता है। कितना बेटा जी, 56.7 ग्राम उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। उसका ड्राई वेट जो था, पॉइंट बी नॉट एट, उसका ड्राई वेट जो था वो रिड्यूस हो गया। कितना बेटा, 56.7 ग्राम। तो मतलब कुछ था उस सोयल में जो उन प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। यहां से कंसेप्ट निकल के आ गया। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए फिर साइंटिस्ट आ गए और हमें जो एक प्रॉपर टेक्निक के थ्रू सब चीजें समझ में आने लगी, हम उसकी बात शुरू करते हैं। ये सबसे पहला वर्ड था बेटा जी। इसके बाद टेक्निक आ गई एक, उसके बारे में बात करते हैं। अगला साइंटिस्ट आ गया, नाम था जूलियस वॉन सच। ये बात है बेटा जी 1860 की। इन्होंने बेटा जी टेक्निक डेवलप की और उस टेक्निक का इन्होंने नाम रखा बेटा जी हाइड्रोपोनिक्स। एक नई टेक्निक डेवलप की गई कल्चर को ऑफ द प्लांट के लिए, उस टेक्निक का नाम था बेटा जी यहां पे आपका हाइड्रोपोनिक्स। जरा नाम को समझ के देखो, टेक्निक का नाम क्या लिखा गया बेटा जी, हाइड्रोपोनिक्स। क्या समझ में आ रहा है इस नाम से बेटा जी, हाइड्रोपोनिक्स नाम से। नाम को तोड़ दो आप दो हिस्सों में, हाइड्रो बोले तो पानी, तो क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ए न्यूट्रिएंट मीडिया, और मैं कहूंगा इन ए सोयल फ्री कल्चर। इजी सी डेफिनेशन, आप पानी में प्लांट को उगाने वाले हैं। चलो मैं निधि आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, आप इसको और अच्छा समझ के देख सकते हैं कि सोयल का प्लांट की ग्रोथ में क्या योगदान। कोई आपसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज पूछ ले कोई आपसे, परमजीत कोई आपसे पूछता है कि भाई प्लांट सोयल में ग्रो होते हैं तो ये सोयल के क्या फंक्शन है प्लांट की ग्रोथ में। कोई पूछ ले आपसे इस सोयल के क्या फंक्शन है प्लांट की ग्रोथ में, तब क्या कहोगे कि भाई सोयल जो है वो यहां से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट। पहला काम मतलब सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है वो कौन है बेटा जी, यहां पे सोयल है, वो सोयल में ही पानी प्रेजेंट होता है, यहीं से वो एब्जॉर्ब करने वाला है बेटा जी वॉटर। एंड थर्ड थिंग, ये सोयल उसे बेटा जी एक सबस्टेटम देती है फॉर द ग्रोथ, उसे एक जगह देती है जिसमें वो ग्रो हो सके, जिसमें अपने आप को हडेयर कर सके, चिपका सके, खुद को वहां पे रिजिड रख सके और उसमें अपना ग्रो हो सके। उसे एक प्लेटफॉर्म देती है, उसे एक सबस्टेटम देने का काम कौन करती है, सोयल करती है। तो मैं कहूंगा बेटा जी सोयल उसे होल्ड करके रखती है। चिंकी बेटा ये वर्ड में कोई दिक्कत है आप लोगों को, मानसी बेटा सोचो ना, आपके किचन आपके घर में जो गार्डन होगा, किचन गार्डन है वैसा गार्डन, तो आप उसमें देखते होंगे कि वहां पे अपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रखा है। वहां पे मिट्टी है ना, वो मिट्टी क्या कर रही है वहां पे, वो मिट्टी ने क्या रोल अदा किया, उस मिट्टी ने क्या दिया उस प्लांट को। तो आप ये कहोगे सर उस मिट्टी में ही तो मिनरल्स प्रेजेंट है, वो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, मिट्टी में प्रेजेंट। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सोयल से प्लांट वॉटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब वॉटर का सोर्स भी क्या है उसके पास में, वो धरती से लेने वाला है। एंड थर्ड थिंग, वो पानी को क्या करता है, होल्ड करता है। अगर यही सब तीन चीजें या डिफरेंट फंक्शन दैट परफॉर्म बाय द सोयल, मैं अगर किसी और तरीके से अगर ये चीजें प्रोवाइड कर दूं प्लांट को, तो मतलब सोयल का कोई योगदान नहीं है भाई। ये तीन चीजें मैं उसको दे दूंगा तो फिर उसे सोयल की कोई जरूरत नहीं है। तो यही जो टेक्निक है ना, यही हाइड्रोपोनिक्स है। मतलब हम एक पानी का कल्चर मीडिया बनाएंगे, हम एक पानी में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को
डिजोल्व कर देंगे, हम पानी में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डिजोल्व करेंगे, उस प्लांट को वहां पे होल्ड करवाएंगे और हम ये देखेंगे कि वॉटर के अंदर ही हम प्लांट को ग्रो करने वाले हैं। तो एक ऐसी टेक्निक जहां पे मैं प्लांट को ग्रो करने वाला हूं इन्हें वॉटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, मैं उसे वॉटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मैं उसे ग्रो करने वाला हूं जो कि सोयल से बिल्कुल फ्री होगा, ऐसा जो टेक्निक होगी उसका नाम क्या होगा बेटा जी आपका यहां पे हाइड्रोपोनिक्स। उस टेक्निक का नाम क्या होगा प्रिय बेटा यहां पे हाइड्रोपोनिक्स। नाम को समझ के देखो नाम में क्या लिखा है, आपको नाम में ही सब बातें समझ में आएंगी क्या लिखा है कि ये टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट है इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और ग्रोइंग प्लांट इन ए कंप्लीट सोयल फ्री मीडिया। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूं आपको यहां पे, कि आपको यहां पे करना क्या है, एक प्लांट को ग्रो करना है, बट किस में ग्रो करना है, पानी में ग्रो करना है, एक न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में ग्रो करना है जहां पे आपको सोयल को क्या रखना है बेटा जी, अब्सेंट रखना है। अब यहां पे दिमाग में कुछ बात क्या आती है कि सर इसका मतलब हमें पानी के अंदर सारे के सारे डिजोल्व न्यूट्रिएंट पहले डालने पड़ेंगे, यानी कि हमें पहले यह भी स्टडी करना पड़ेगा एक प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए या क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अलग अलग काम परफॉर्म किया, वो क्या क्या था जरा उसकी बात करते हैं। साइंटिस्ट आ गए तो वो नाम क्या था यहाँ पे आर्मोन एंड उसका नाम था होगलैंड। मैं साइंटिस्ट के नाम की बात करता हूं आर्मोन एंड होगलैंड, ये बातें हैं बेटा जी 1940 की। इन्होंने दिया give prescription of all salt required for proper growth and डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देखो मेरे भाई, मैं चलो एक बार वर्ड को जरा इस तरह समझाता हूं। हम क्या करते हैं, ये बेटा जी हमने लिया एक वॉटर के लिए एक बीकर, हमने क्या किया इसमें ऐसे बेटा जी अपना ऊपर से रखा सैचुरेट पेपर लगाते हैं ताकि लाइट वगैरह पास ना हो यहां पे आपकी, और हम एक प्लांट को यहां पे ऐसे बेटा जी होल्ड कराते हैं, ये प्लांट के रूट्स वगैरह है, ये आपका वॉटर है, हम इसमें बेटा जी यहां से एक क्या लगाते हैं एरिएटिंग ट्यूब्स लगाते हैं जहां से एयर क्या होती है आपकी पास होती है ताकि प्लांट के रूट्स को यहां पे ऑक्सीजन भी मिलता रहे। ये जो टेक्निक है ना बेटा ये हाइड्रोपोनिक्स है, दिमाग में डालो रोबिन क्या हाइड्रोपोनिक्स। तरुण बेटा आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हो बेटा जी एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो मैं एक डेफिनेशन बोलूं और यहां पे ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और ग्रोइंग प्लांट इन ए सोयल फ्री कल्चर। देखो मेरे भाई दो डेफिनेशन लिखी मैंने वहां पे, एक यहां पर लिखी हुई थी देखिएगा, आपने यहां पे लिया पानी और इस पानी को आप पानी ना बोल के आप बोलोगे एक्चुअली ये क्या है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। अब पारस बेटे इस वर्ड को समझ के देखो, यहां पे एक्चुअली हमने क्या कर रखा है वॉटर प्लस में डिफरेंट डिजोल्ड मिनरल्स,
हमने पानी में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को बेटा जी डिजोल्व कर दिया और अब उनको मिला के जो सॉल्यूशन बना, मैंने उस सॉल्यूशन को क्या बोला यहाँ पे, एक न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा, पानी में हमने डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को बेटा जी डिजोल्व किया तो वो क्या बन गया, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कर रहा हूं। तो आपने कहा ये प्लांट की रूट है, ये उसकी स्टेम और प्लांट यहाँ पे सर प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, एयर को पास कर रहा हूं ताकि प्लांट की रूट्स को प्रॉपरली यहां पे ऑक्सीजन भी मिलता रहे। ठीक बात है। आपने कहा सर ये जो टेक्निक है हम उस टेक्निक को क्या बोलते हैं यहां पे आपका, हाइड्रोपोनिक्स। समझ कर देखो वर्ड को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कुछ कि सोयल का क्या योगदान है एक प्लांट की ग्रोथ में। तो आपने कहा सर सोयल उसे वहां पे होल्ड करके रखती है, मैंने उसे यहां पे होल्ड करवा दिया। आपने कहा सर वो उसे एक सब्स्टेटम दे रही है, तो भैया जी हमें सब्स्टेटम बना दिया उसका। आपने कहा सर वो उसे पानी देता है, ये वॉटर ही वॉटर है। सर वो उसे क्या दे रहा है यहां पे, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवा रहा है, मैंने इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को मिला दिया। इसका क्या मतलब है मानसी, इसका क्या मतलब मीनाक्षी, उसे जो सोयल से चाहिए तो सब चीज उसे मिलने लग रही है, तो प्लांट की प्रॉपरली क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो मैंने कहा पारस बेटा ऐसी कोई भी टेक्निक जिसके थ्रू मैं एक प्लांट को ग्रो करता हूं एक न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में, जो कि सोयल फ्री कल्चर है, मैं ऐसी टेक्निक को क्या बोलता हूं बेटा जी, हाइड्रोपोनिक्स। डेफिनेशन दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके में। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स डाले होंगे, तो ये भी तो हमने पहले डिस्कवरी की होगी। ऐसे हमने ग्रो कर करके प्लांट को देखा होगा कि भाई प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए और कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए, कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, किस कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, ये सब चीजें भी टाइम के साथ हम यहां पे डिस्कवर करते गए होंगे। तो मैंने बोला लास्ट जो साइंटिस्ट आया उसका नाम क्या था बेटा जी, यहां पे आर्नोन एंड होगलैंड। ये कब की बात है, 1940 की। मैंने आपसे कहा ये टेक्निक कब डिस्कवर हुई है बेटा जी, आपकी 60 मतलब करीबन उसके 80 साल बाद हमने इस पे ट्राई करते गए करते गए करते गए और हमें एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मिल गया। और क्या हुआ उस बात को समझाता हूं। इस जनाब ने, इन दोनों जनाब ने मिलकर यहां पे क्या दिया, हमें प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, हमें एक बता दिया कि भाई एक प्लांट को अगर ग्रो करना तो उसको ये न्यूट्रिएंट दो और इतनी कंसंट्रेशन में दो तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली होगी, और अगर आपने इन न्यूट्रिएंट को नहीं दिया तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो उसने हमें क्या दिया, कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन दिया ऑफ ऑल द डिफरेंट सॉल्ट। आप जानते हो हमारे मिनरल्स जो होते हैं दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट। वो किसके फॉर्म में अवेलेबल है बेटा जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट की फॉर्म में वो अवेलेबल हमें मिलते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के जो सॉल्ट हैं जो कि प्लांट को चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के लिए, वो हमें कब मिल गया, 1940 मिला। देने वाले कौन थे बेटा जी, यहाँ पे आर्नोन एंड होगलैंड। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस न्यूट्रिएंट मीडिया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए यहां पे तरुण बेटा आर्यमान, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडिया और आपसे पूछा जाता है कि सर इसकी क्या है डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया दैट कंटेन और दैट हैव ऑल न्यूट्रिएंट इन ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन दैट रिक्वायर बाय प्लांट फॉर देयर proper growth and development। आपके सामने जो कुछ है वो, अगर पेपर में कहा जाए आपसे कि भाई बैलेंस न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, तब कहोगे ये हम ऐसी न्यूट्रिएंट मीडिया की बात करें जहां पे सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और इतनी ही कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है जितना कि एक प्लांट को चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ऐसे मीडिया को क्या बोलूंगा, बैलेंस न्यूट्रिएंट मीडिया। आई थिंक आपके सामने वर्ड क्लियर, हाइड्रोपोनिक्स क्लियर है। अब
वर्ड आता है कि सर ये हाइड्रोपोनिक्स कैसे कैसे की जाती है, ये हाइड्रोपोनिक्स के क्या क्या टाइप है यहां पे। इसके करने के दो तरीके हैं बेटा जी, हाइड्रोपोनिक्स को करने के यहां पे दो तरीके हैं, उन तरीकों का आपको समझना है। पहला तरीका आता है बेटा जी यहां पे आपका टैंक सिस्टम, और दूसरा आता है बेटा जी यहां पे फिल्म सिस्टम। तो देखिएगा जरा, आपके एनसीईआरटी बुक में दो डायग्राम बने हुए, मैं दोनों डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। आपने कहा सर आपने ऐसा एक टैंक ले लिया, उस टैंक के अंदर आपने एक प्लांट को ग्रो किया, नॉट एक प्लांट को, आप चाहो तो एक से ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सर एक टैंक में एक ही प्लांट ग्रो करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द टैंक, हम तीन प्लांट ग्रो कर देते हैं, अंशु कहता ऐसे आपने तीन प्लांट ग्रो कर रखे हैं, कहा सर ये उनकी रूट है। इसके अंदर में यहां एक पाइप देनी पड़ेगी, जिस पाइप के थ्रू बेटा जी हम यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन को भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हो रूट को भी अपने आप को ग्रो करने के लिए बेटा जी ऑक्सीजन चाहिए फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम थोड़ा सा चीजों को ऐसा कर देते हैं, ये हमारा टैंक है, आपने कहा सर एयर यहां से पास हो रही है, तो इन प्लांट्स को प्रॉपरली यहां पे क्या मिल जाएगी बेटा जी, आपकी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और ये आपके प्लांट है जो आपने ग्रो कर रखे टैंक में। याद रखना यहां पे श्रुति बेटा जी, वाटर बेटा यहां पे सैचुरेटेड है, पानी यहां पे मूव नहीं कर रहा है, पानी यहां पे सैचुरेटेड है। आपको बाहर से एक ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और बार बार आपको इस सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा इसे, ठीक बात है। दूसरा ऐसे एक सिस्टम और आता है जो इससे एडवांस है, हमने कहा वो होता है फिल्म सिस्टम या फिल्म टेक्निक। तो जरा देखिएगा हमने क्या किया, हमने बेटा जी ऐसी एक पाइप बनाई, उन पाइपों के अंदर बेटा जी हमने एक लार्ज नंबर ऑफ ट्री को बेटा जी ग्रो किया। मैं इसकी फोटो आपको दिखा सकता हूं जो बड़ी ही जबरदस्त, मैं लास्ट ईयर घूमने गया था ले लद्दाख, तो वहां पे भैया जी ये हमने देखा था, वहां पे इसको लाइव हमने प्रोजेक्ट देखा था इसका कि कैसे होते हैं। ऐसा कह सकते हो कि सर ये एक टैंक है जो ओपन है, हमने यहां पे लगा रखी है बेटा जी एक मोटर, और इस मोटर से बेटा जी हमने पानी को पास कर रहे हैं, और यहां से बेटा जी वॉटर आपका गिरने लग रहा है। ये टैंक है बेटा जी जिसमें आपको वाटर गिरने लग रहा है, और हम इस वाटर से बेटा जी आपका पानी एक पंप के थ्रू एक पाइप के थ्रू बेटा जी यहां से पास कर रहे हैं, ये वाटर इसके अंदर से बेटा जी बहने लग रहा है आपका, और आपने बेटा जी
यहां से इस पानी को जब भेज और आपने यहां जाके इस पानी को डाल दिया, सोचिएगा यहां से आपका पानी है जो बेटा जी चलने लग रहा है। ये मतलब अंदर का भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं जस्ट आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे पानी यहां से चलने लग रहा है। इसके अंदर सोचो पानी हम यहाँ पे बाय प्रेशर बाय द मोटर का यूज करके हम उसे यहाँ भेजने लग रहे हैं, और यहां हमारे बेटा जी प्लांट लगे हुए हैं। ये बातें हो गई आपकी। ऐसे हमारे प्लांट हैं जो ये यहां ग्रो हो रहे हैं। देखो ये हमने देखो एक प्लांट को ग्रो कर रखा, यहां से पानी आपका गिरने लग रहा है बेटा जी, यहां से मोटर से हम पानी को भेजने लग रहे हैं, और ये हमारा डायरेक्शन है। अब इन दोनों में डिफरेंस को समझ के देखो सर, इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है। यहां पे हमारा पानी सैचुरेटेड है, एक जगह रुका हुआ है, एक टैंक में पानी रुका हुआ है, हमें बाहर से एयर को पास करना पड़ता है। हम यहाँ पे एक टैंक में बहुत ज्यादा प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पे हमने बेटा जी आपके एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो कर रखा है, और पानी बेटा जी यहाँ पे मूविंग है, पानी यहाँ पे स्टिल नहीं है, पानी यहाँ पे मूविंग है, चलता हुआ पानी है। और ऑटोमेटिकली अगर सोचो यहाँ पे हो रहा होगा तो हमारे यहां से ऑटोमेटिकली बेटा जी एयर भी क्या हो रही है, यहां से हमारी अपने आप एयर मिक्स हो रही होगी बेटा जी, यहाँ पे अगर खुला रखा हुआ है। और हम इसमें टाइम टू टाइम यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी क्या करते हैं बेटा जी आपके, एड ऑन करते रहते हैं, और वो चीजें बार बार सर्कुलेट होती रहती है। यहां से घूमेगा प्लांट, उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, चीजें चलती रहेगा। ऐसा नहीं है कि पानी का मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं होता, स्लोली स्लोली पानी यहां से मूव आपका चलता रहता है, मतलब हमेशा ही ये जड़े पानी में डूबी रहने वाली है। यहां पे पानी ऐसा नहीं है कि पानी यहां रुकने वाला है, पानी बिल्कुल यहां से बहुत तेज भागेगा यहां से, पर यहां पे हम इस तरह का सिस्टम मेंटेन करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, वो फायदे को समझो। हमें बाहर से ऐसी एरिएटिंग ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, हमें मिनरल्स भी बड़ा इजीली हम एड ऑन कर देंगे, हमें सिस्टम को खोलने की सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपका। और एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को हम क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फिल्म सिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी आपका, टैंक सिस्टम। तो ये दो प्रकार की होती है बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। ये आपको डायग्राम बनाने अपने नोटबुक के अंदर और समझने हैं बेटा जी। अब कोई पूछे आपसे हाइड्रोपोनिक्स का फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, कोई पूछे हमसे कि भाई हाइड्रोपोनिक्स का सर सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तो क्या महत्व जरा समझिएगा। पहला, हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसको आइडेंटिफाई कराती है। हेल्प टू नो अबाउट द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, उनकी क्या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए वो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है हमारी। थर्ड बेटा जी यहां पे प्रोटेक्ट फ्रॉम सोयल बॉर्न डिजीज, हमारे सोयल में की या सोयल में डिफरेंट पैथोजेंस के होने की वजह से जो डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाते हैं वहां से ये हमें क्या करता है बेटा जी आजाद करता है। इस सिस्टम का यूज करके ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे बेटा जी। फोर्थ है बेटा जी यहां पे आपका यूज इन द एरिया वेयर सोयल
इज नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, कहीं पे अगर सोयल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहां पे हम उसे यूज कर सके प्लांट ग्रोथ के लिए, तो वहां पे हम इस टेक्निक से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगला बेटा जी, कम टू नो अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि भाई कोई अगर न्यूट्रिएंट वहां पे अब्सेंट है या उसकी डेफिशिएंसी है तो उसकी डेफिशिएंसी में क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे या हमें उसके बारे में बता सकती है। एंड लास्ट एक और बातें करें बेटा जी, यूज इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो। आज हम बेटा जी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, तो ये इसके सब फायदे हैं। दोबारा वर्ड को समझ के देखते हैं क्या क्या फायदे हैं इसके। तो तुम बेटा मैं कहूंगा कि जैसे आपने ये कहा कि भाई क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो सोचो मैं उस टैंक में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डाल के देखता हूं, तो न्यूट्रिएंट्स के डालने से क्या क्या उसे ग्रोथ के लिए चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। भाई अगर इस न्यूट्रिएंट को मैंने नहीं डाला तो प्लांट की ग्रोथ में क्या इफेक्ट रह गया, मैं उसको नोटिस कर पाऊंगा, तो मुझे पता लग पाएगा इस न्यूट्रिएंट का एक्चुअली इस प्लांट की ग्रोथ में क्या योगदान है, या प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए, कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मुझे ये पता लग जाएगा। दूसरी बात, अगर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं दूंगा उसे प्रॉपर अमाउंट के अंदर, तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे मुझे पता लग जाएगा। थर्ड, एक न्यूट्रिएंट की क्या वो कंसंट्रेशन है जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, मुझे पता लग जाएगी इस टेक्निक से। तीन बातें हुई, मैं इस टेक्निक को वहां भी यूज कर सकता हूं जहां पे सोयल प्रॉपर नहीं है ग्रोथ के लिए। चौथी बात, आप वहां भी इसका यूज कर सकते हो जहां पे आपने ये देखा है डिजीज प्लांट पैदा होते हैं, तो आप सोयल के पैथोजेंस की वजह से डिजीज होते हैं, आप एक डिजीज फ्री प्लांट, और आप उन डिजीज की बात करें जो कि सोयल बोर्न है, जो सोयल की वजह से हो रहे, आप उन डिजीज से फ्री प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। एंड मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे इवन हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं कॉमर्शियली बाय दिस टेक्निक, जैसे मैंने नाम बोला आपको टोमेटो की। एक और बात भी मैं जान देता हूं यहाँ पे आपको बता दूं बेटा जी, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। एक और फायदे की बात की जाए यहाँ पे, इट हैव टू टेल अबाउट टॉक्सिसिटी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की क्या टॉक्सिसिटी है, मतलब कोई अगर आप कोई न्यूट्रिएंट उसे एक्सेस में दे देंगे तो उसकी वजह से उस पे क्या टॉक्सिक अफेक्ट होंगे, ये उनके बारे में भी हमें बता देगा बेटा जी कि भाई ये आपको इतना ही देना पड़ेगा, अगर एक्सेस में दे दिया तो ये उसका अफेक्ट हो जाएगा, या फिर उसके बारे में भी बताएगी बेटा जी यहाँ पे। तो ये सब क्या है बेटा जी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, इंपोर्टेंस है किसकी बेटा जी, आपके यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स की। आई होप आपको सब बातें समझ में आई होगी, मैंने आज सिर्फ एक चैप्टर की शुरुआत की है, मैंने आपकी टेक्निक पढ़ाई है कौन सी बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, कल क्लास में आने से पहले इस वीडियो को खत्म करके आना आपको, सो दैट कि हम आगे टॉपिक को आपके यहाँ चला सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा, थोड़ा लेट हो गया बट आई एम सॉरी, थैंक यू।